नमस्कार एवरीवन। चलिए, हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। सेकंड क्लास है, सब्जेक्ट हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूनिट 6, एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। ठीक है, अब बेसिकली लास्ट क्लास में हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। वो मेरी लास्ट जो इसके फर्स्ट पार्ट है, इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, आप उस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। अब जो चैनल है, दैट इज़ PSS फिजिक्स करके भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर PSS मैकेनिकल करके भी, या फिर भूपेंद्र दहिया लिख के भी आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा और उसके ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो यूनिट है, ये यूनिट नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट है। जो आज डेट जो हो गई है वो हो गई है 17 अप्रैल 2020। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, एस्टिमेशन टाइम ऑफ टाइम फॉर फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या था, लेथ ऑपरेशंस। अब उसके अंदर पहला ऑपरेशन है टर्निंग, सेकंड ड्रिलिंग, थर्ड बोरिंग, फोर्थ थ्रेडिंग, फिफ्थ टैपिंग। सेकंड जो पोर्शन आता है, दैट इज शेपिंग एंड प्लेनिंग ऑपरेशन। शेपिंग, जो सेपर मशीन होती है और एक प्लेनर मशीन होती है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशंस, मिलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो टोटल मिला के हमें वैसे तो चार ऑपरेशंस पढ़ने हैं, चार मशीन्स पढ़ने हैं। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये चार, तीन ये ऑपरेशंस हो गए, एंड देन उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमारे फिर से कितने हो जाते हैं, 5 ऑपरेशंस। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ टाइम। हमें टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि उस मशीनिंग ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा। अब सबसे पहले यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो हमारे पास ऑपरेशन आता है, दैट इज टर्निंग। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑपरेशन है टर्निंग। ठीक है, टर्निंग बेसिकली होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ वर्क पीस बाई अप्लाइंग द कट और ए नंबर ऑफ कट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा, आपको उसका क्या करना है, एक्सटर्नल जो डायमीटर वो रिड्यूस करना है। आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये डायमीटर और ये डायमीटर, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपके पास इनिशियली इतना डायमीटर है तो आपको उसमें इसमें रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज टर्निंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन होगा बच्चे, टर्निंग ऑपरेशन। अब वही लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द वर्क पीस बाय अप्लाइंग ए कट, सिंगल कट से भी और मल्टीपल कट से भी, वो सब किस में आएंगे, टर्निंग में। अब टर्निंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्निंग ऑपरेशन के अंदर जो टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कितना लगेगा। अब उसके लिए स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो टर्निंग में भी काम आएगा, ड्रिलिंग में भी, बोरिंग में भी, थ्रेडिंग में भी और टैपिंग में भी। इन पांचों के पांचों में एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा, और उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वो, लेकिन उसको बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में उसको स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ कर लेते हैं हम, वो क्या पॉइंट क्या है जो बताना है, वो क्या स्पीड, उसका टाइम का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था बच्चे, एस्टिमेशन ऑफ टाइम। अभी एस्टिमेशन ऑफ टाइम किसका है, टर्निंग का। मुझे बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, टाइम फॉर टर्निंग ऑपरेशन। ये होगा क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस तो लिखेंगे नहीं, यहाँ हम लिखेंगे लेंथ। जो वर्क पीस है जिसकी टर्निंग हमें करनी है, उसकी लेंथ क्या है, जितनी लेंथ पे टर्निंग करनी है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, स्पीड। अब स्पीड जो होती है, स्पीड जो होगी वो किस में होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखेंगे, फीड पर मिनट, किस में होगी स्टूडेंट्स, फीड पर मिनट में। लेकिन अब यहाँ क्या है, अब बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, दैट इज लेंथ आपको दे रखी हो, फीड पर मिनट आपको दे रखी हो, आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे एंड टाइम को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास कॉस्ट निकल के आ गई। बट इतना सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ एग्जामिनर आपको लेंथ तो डायरेक्ट देगा, लेकिन जो फीड है वो फीड पर मिनट ना देके आपको कैसे देगा, फीड पर रिवॉल्यूशन। गिवन क्या होगा, फीड पर
रिवॉल्यूशन. क्या गिवन होगा स्टूडेंट्स? फीट पर रिवॉल्यूशन गिवन होगा. लेकिन आपको चाहिए क्या? फीट पर मिनट. अब उसके लिए भी आपको क्या करना है? परेशान नहीं होना है. सिंपल, लेंथ डिवाइडेड बाय फीट पर रिवॉल्यूशन. फीट पर रिवॉल्यूशन है ये, इन टू में. देखो ये क्या कह रहा है, फीड पर मिनट. चीज को समझो बच्चे, यहाँ पे फीड पर मिनट, एक सिंगल मिनट के अंदर कितना फीड कर रहा है. फीड पैक्चर एक्चुअल में क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने उसमें डिस्कस भी किया था, एक्सियल लेंथ में वो जितना ट्रेवल करता है. अब वो एक मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो उसके अंदर यहाँ पे फीड आ जाएगी. अब देखो यहाँ पे फीड पर मिनट, और ये क्या है, फीड पर रिवॉल्यूशन, जो एग्जामिनर हमें देगा, हमें निकालना है ये. अब देखो फीड पर रिवॉल्यूशन, अब फीड पर रिवॉल्यूशन मीन्स एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना वो ट्रेवल कर रहा है. मीन्स यहाँ पे 360 का अगर मैं देखूँ एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एंगल को टर्न करने में अगर मैं कहूँ कि वो मूव कर रहा है 2 mm, कितना कर रहा है बच्चे, 2 mm. ठीक है, अब मुझे निकालना है पर मिनट, एक मिनट में कितना वो आगे मूव करेगा. तो यहाँ पे फीड पर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन तो आगे, एक रिवॉल्यूशन में 2 mm कर रहा है. अब मुझे क्या निकालना है, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन वो कर रहा है. अगर मैं कहूँ एक मिनट में 10 revolution कर रहा है, 10 revolution पर मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है एक रिवॉल्यूशन के अंदर, सिंगल रिवॉल्यूशन के अंदर अगर वो 2 mm ट्रेवल कर रहा है तो फीड आ दे रहा है. तो यहाँ कितना हो जाएगा, इन टू में 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 mm पर मिनट. समझ में आया बच्चे? अब सेम यही फंडा हम यहाँ यूज करेंगे. यहाँ 2 mm क्या है, फीड पर रिवॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, इनटू में 10 क्या था, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट. उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से. हो गया सोल्व हो गया बच्चे. ठीक है, टाइम क्या आ गया, एल फीड पर रिवॉल्यूशन इंटू एन. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको टाइम लिखें कंप्लीट, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एल बाय एफ इंटू एन. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि जो कुछ है वो यही है, जो कुछ है स्टूडेंट्स वो यही है. अब आपको ध्यान रखना है ये जो एफ है ये फीड पर रिवॉल्यूशन है, एन आरपीएम है, एल क्या है, जो लेंथ है. ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनर आपको एन नहीं देगा. ये क्या बात हुई भाई, अब एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो बनाएगा भाई, वो आपको एन नहीं देगा. वो अगर आपको एन नहीं देगा तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपको निकालना है यहाँ, और एग्जामिनर ने एन आपको दिया नहीं, फीड आपको दे दी, लेकिन वो अभी फीड पर रिवॉल्यूशन में दी है. अब एन नहीं दिया तो एग्जामिनर देगा क्या, एग्जामिनर आपको क्या देगा, कटिंग स्पीड देगा. और क्या गिवन होगा बच्चे, कटिंग स्पीड. अगर आपको सीधा आरपीएम दे रखा हो, राउंड पर मिनट दे रखा हो, तो डायरेक्ट यहां पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन ऐसा जनरली एग्जामिनर करता नहीं है, वो क्या देता है आपको, कटिंग स्पीड देता है. अब कटिंग स्पीड से आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने किया था, कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कटिंग स्पीड पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 60. अब एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है, सिंपल सी है कि यहाँ जो कटिंग स्पीड आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट. अब इसके अंदर पाई कॉन्स्टेंट रहता है, डी, डी इज द डायमीटर, डायमीटर जो है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन होगा, किस में गिवन होगा, सेंटीमीटर में. ध्यान रखना बच्चे ये चीज़ें, ये हम गलतियाँ करते हैं यहाँ पर, डी किस में होगा, सेंटीमीटर में. क्यों, माफ करना, ये आरपीएम पर मिनट निकाल रहे हैं तो यहाँ 60 से डिवाइड नहीं होगा, पाई इंटू डी इंटू एन आ जाएगा. अब ये डायमीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन हमारी जो स्पीड निकल के आ रही है वो मीटर पर मिनट, ऐसा कैसे पॉसिबल है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में. तो उसके लिए क्या होगा, 100 से इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चे, डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या बन गया, ये पाई डी इंटू एन डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा, मीटर पर मिनट. ठीक है, अब क्या है, यहां देखो कटिंग स्पीड आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, पाई कांस्टेंट होता है, 100 आपको पता ही है, क्या निकालना है, एन. तो यहां से आप क्या करेंगे, एन निकालेंगे और इस एन को यहां यूज करेंगे.
ठीक है, आप परेशान ना हो बच्चे, आपको एग्जामिनर कटिंग स्पीड देगा, मैंने पहले ही लिख दिया। तो सिंपल सा, यहाँ से हमारे पास टर्निंग जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट होता है। अब टर्निंग ऑपरेशन के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, फीड आपको देगा पर रिवॉल्यूशन, कटिंग स्पीड आपको देगा। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला एफ टाइम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एफ इंटू एन, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ज़्यादा इस पर टाइम ना देते हुए आप इसको पोज करके एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम ना देते हुए सीधा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे पढ़ता हूँ। अब देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल आपके पास है, ये एक प्रॉब्लम है आपकी बुक से ही है। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू टर्न ए ब्रास कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ द कटिंग स्पीड इज 45 मीटर पर मिनट एंड द फीड इज 0.5 mm पर रिवोल्यूशन एज्यूमिंग ए सिंगल कट, ठीक है, एज्यूमिंग ए सिंगल कट, सिर्फ एक ही कट का निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गीवन। जब यहाँ पे गीवन लिखेंगे तो क्या क्या गीवन है, कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, डाया कितना गीवन है बच्चे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ गिवन है हमें, गिवन है एल, एल कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है बच्चे हमेशा, इफ़ द कट, सबसे मुश्किल यहाँ पे क्या होता है, यूनिट्स की ही प्रॉब्लम होती है। इफ़ द कटिंग स्पीड इज 45, कटिंग स्पीड, स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, 45 मीटर पर मिनट। उसके बाद फीड, फीड को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, एफ डबल ई डी लिख लेता हूँ मैं, फीड इज इक्वल टू 0.5 mm पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, देखो बच्चे दिखाई दे रही हैं दोनों, हाँ दिखाई दे रही हैं। देखो मैंने कहा था फीड पर रिवॉल्यूशन आपको गिवन होगा, कटिंग स्पीड आपको गिवन होगी। यहाँ देखो फीड पर रिवॉल्यूशन आपको गिवन है और कटिंग स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपको, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब सोल्व करने में सिंपल सा है, सबसे पहले आपके पास जो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड टाइम, इसको कंप्लीट लिखेंगे, फाइंड टाइम फॉर द टर्निंग ऑपरेशन। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय एफ इंटू एन, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। एल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाय, एल कितना दे रखा है बच्चे, 8 डिवाइडेड बाय एफ, स्पीड क्या कितना दे रखा है आपको, 0.5 mm। देखो L जो था वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेंटीमीटर में। F भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, और ये किस में होना चाहिए, RPM, राउंड पर मिनट। तो यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पर मिनट ऊपर जाके मिनट में आ जाएगा, टाइम किस में आ जाएगा हमारा, मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फीड देखो कैसे दे रखा है, mm में, किस में दे रखा है बच्चे, mm में। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर 0.05 इंटू एन। अब अगर n हमें दे रखा होता तो हमारा क्वेश्चन यही ओवर हो जाता, अब नहीं दे रखा तो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ कटिंग स्पीड, s इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाय 100, ठीक है। अब जब इसके अंदर इसके वैल्यू पुट करेंगे, एस स्पीड हमें दे रखे कितनी है, 45 इज इक्वल टू पाई एज इट इज डी, डायमीटर हमें कितना दे रखा है बच्चे, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एज इट इज 5 सेंटीमीटर, इंटू एन हमें निकालना है, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको 100 से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से देखो पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ अननोन कितना है, 1, क्या अननोन है, एन। तो इस n की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ से जब n की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे, तो डायरेक्ट मेरे पास जो आंसर आएगा 286 rpm यूजिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को यूज करेंगे तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू एल बाय एफ इंटू एन, एल हमें दे रखा है 8, 0.05, एन हमें कितना दे रखा है बच्चे, निकाला है जो हमने 286। अब जब इसको सोल्व करेंगे, मैंने पहले बताया था ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पर मिनट है तो ऊपर जाके मिनट आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.56 मिनट,
0.56 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। बच्चे एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा जो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा किस में होगा, मिनट में। वैसे हम एसआई यूनिट टाइम की क्या लेते हैं, सेकंड, लेकिन यहाँ पे जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो किस में करेंगे, मीटर में। और जो फीड होती है, जो स्पीड का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, वो एमएम होती है, मीटर नहीं। कई बार आ जाता है एग्जाम, कंपिटेटिव एग्जाम में फीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो एमएम होती है। अभी उसमें आईटीआई के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था फीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो स्टैंडर्ड सोच के सब क्या सोचते हैं, एसआई यूनिट, लेकिन फीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, एमएम। और जो टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मशीनिंग टाइम, वो किस में होता है, हमेशा मिनट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था, पूरा हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सबको। तो देखो इसके अंदर, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न 60 mm डायमीटर। कितना डायमीटर दे रखा है, 60 mm डायमीटर टू ए रोड डायमीटर रोड टू द डायमेंशंस एज शोन इन फिगर। इतने मीन्स हमारे पास इनिशियली एक रोड है, ठीक है, उसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चे, फाई कितना दे रखा है उसका, 60 mm। और मुझे इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है अपना जो फिगर दे रखी है उसमें। यहाँ कितना होगा 56, यहाँ कितना होगा 48, और बाकी डाटा भी दे रखा है। कटिंग स्पीड हमें दे रखी है वही मीटर पर मिनट, और फीड हमें दे रखी है 1.2 mm पर रिवॉल्यूशन। देखा, फीड हमेशा mm में ही होगी। कटिंग स्पीड क्या है, 20 meter पर मिनट, क्लियर। ऑल कट्स आर 2 mm। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ क्या कह रहा है कि जब एक सिंगल आपका जो टूल है वो जब इसके साथ टच में होके आगे बढ़ेगा तो एक बार में कितने mm कट करेगा, 2 mm इस साइड, 2 mm इस साइड। मीन्स उस डाया कितना कम कर देगा, 4 mm। डाया कितना कम कर देगा वो सिंगल में, 4 mm। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं होगा क्या। सबसे पहले वही सारा गिवन डाटा लिखेंगे। अब क्या है, हमारे पास इस तरीके की रोड है जिसका डायमीटर कितना है, 60, और मुझे एक सिंगल कट लगाना है, मुझे उसका टाइम निकालना है। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं इसको वैसे कर देता हूँ आपको, बिना चीज़ें लिए हुए, बिना वैल्यूज़ लिए हुए। देखो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना है T1। T1 टाइम क्या होगा, 60 cm लेंथ को कवर करने के लिए, और कितना रिड्यूस करेगा सिंगल साइड से डायमीटर, 2, उस साइड से भी कितना करेगा, 2। तो इसका डायमीटर हमारा कितना बच जाएगा, 56। मीन्स डायमीटर जो फाई वन है वो हमारा कितना है, 60। उसको कितने में लेके जाना है, 256। कितने कट चाहिए, सिंगल कट चाहिए बच्चे। तो टाइम उसके लिए कितना हो जाएगा, सेम L/F(n), ठीक है। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी, 60, ठीक है बच्चे। सॉरी, डायमीटर है 60, L लेंथ इसकी कितनी है, डायग्राम में दे रखी है, डायग्राम में दो पार्ट में 100 और 120, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो यहाँ पे 100 + 120 कितना हो जाएगा बच्चे, 100 + 120 कितना हो जाएगा, 220, कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, फीड। अब फीड देखो, यहाँ पे फीड भी क्या है, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस mm में दे रखी है, फीड को भी अगर हम mm में ले लेंगे तो mm से mm कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, हमारा n का फंडा बच जाएगा, n किस में है, मीटर में, तो वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही किया हुआ, ये देखिए 1.2, ठीक है, 1.2 एज इट इज लेके, ये भी mm में, ये भी mm में, mm से mm कैंसिल, इनटू में n जो है इन्होंने पहले कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मैं क्या बताता हूँ, पहले आप फॉर्मूला लिखो, उसमें n लिखो, इक्वेशन 1 डालो, फिर आप n निकालो। उसके लिए क्या होगा, अगेन वही फॉर्मूला, S = π/d(n/100। अब यहाँ से n1 निकल के आ जाएगा, 106, यूज़ करो, आपके पास टाइम आ गया। अब इस टाइम में आपने एक रोड बना दी है जिसका जो डायमीटर थ्रू आउट कितना है, 56, लेकिन आपको तो ऐसी रोड चाहिए। अब आपको कितना डायमीटर चाहिए, 48। अब देखो 48 56 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 mm आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंगल कट कितने का बताया गया, 2 mm, 2 mm इस साइड करेगा, 2 mm साइड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 mm, ठीक है। अब ये 4 mm हो रहा है, तो मीन्स 8 mm मुझे करना है, तो कितने कट होंगे, 2 कट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अब सिंगल कट के लिए टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके हमें यहाँ तक आना है, और डाया कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो डाया होगा वो कितना हम लेके चलेंगे, 56, ठीक है। अब सेकंड वाले में चेंज क्या होगा,
सबसे पहले टाइम जो निकालेंगे एल बाय एफ इंटू एन। अब जो एल होगा वो कितना होगा बच्चे, 120 mm। एल क्या होगा 120, फीड वही रहेगी, एन चेंज हो जाएगा। अब एन निकालने के लिए हमारे पास क्या, ये ध्यान दें बुक के अंदर जो यहाँ पे लेंथ ली हुई है वो 100 ली हुई है, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, वो कितना आएगा 120 ही आएगा। अब देखो एन जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे होता है पाई इंटू डी, सॉरी स्पीड जो होती है पाई इंटू डी इंटू एन बाय 100। स्पीड हमें दे रखी है वही रहेगी सेम, यहाँ पे डी चेंज होगा, जितनी बार भी आप एन निकालोगे डी चेंज होगा। अब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे, पहले कितने ली थी हमने 60, अब कितनी हो जाएगी 56, ठीक है, उससे आपके पास एन टू की वैल्यू आ जाएगी। पहले एन वन आया था, ठीक है, ये एन वन था, अब आपके पास एन टू आ जाएगा, ठीक है, वो कोई वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे आपके पास टाइम आ जाएगा टी टू, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, मैंने बेसिक्स आपको समझ। चलिए जो मेन पॉइंट होगा, मेन पॉइंट होगा वो ये कि यहाँ पे ओल्ड कट आर 2 mm, 2 mm अगर आप एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका एक साइड से 2 mm मूव करते हैं और उसको पूरा 360 रोटेट कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, अगर मैं इस साइड में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से है, ये देखिए ऐसे नहीं होगा ये, हाँ ये अगर कैप कंप्लीट सॉलिड है और मैं इस साइड से इसके अंदर 2 mm मूव करता हूँ और इसको कंप्लीट 360 डिग्री अगर रोटेट करूँगा तो यहाँ से आप क्लियरली देखेंगे बच्चे, इससे होगा क्या 2 mm यहाँ पे रिमूव होगा और 2 mm जब ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा तो 2 mm तब रिमूव हो जाएगा। टोटल कितना रिमूव हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ 2 mm यहाँ 2 mm यहाँ, टोटल कितना हो गया 4 mm रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई स्टार्टिंग में हमारा जो डायमीटर था वो कितना था 60, उसके बाद सिंगल कट के बाद डायमीटर कितना बच गया हमारे पास 56, ठीक है बच्चे। ये न्यूमेरिकल था, एक और ये न्यूमेरिकल है, आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे इसने कहा द माउंटिंग टाइम फॉर सेल्फ सेंटरिंग थ्रीजा चक इज 50 सेकेंड। माउंटिंग टाइम कितना है 50 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 50 सेकेंड्स हमें जो लास्ट में हमारा जो टाइम निकल के आएगा उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो टोटल जो मशीनिंग टाइम है दैट इज हमारे पास मशीनिंग टाइम पूरे फॉर्मूले से कितना आ जाएगा 6.54 मिनट। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है कितना 50 सेकेंड्स। अब 50 सेकेंड्स को सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना बच्चे 6 मिनट 54 सेकेंड नहीं है, ये 6 मिनट्स और एक 6 मिनट है और 1 मिनट का 54th पार्ट है, मीन्स 30 सेकेंड्स प्लस है समथिंग, ठीक है, तो उस चीज़ पे नहीं जाते। तो यहाँ पे ये क्या है 6 मिनट और 1 मिनट का 54वां पार्ट है, ठीक है 6.54। उसके बाद हमें इसके अंदर कितना ऐड करना है 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड्स को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 50/60 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिनट आ गई, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो निकल के आएगा दैट इज 7.37 मिनट। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आएगा, ये ध्यान रखोगे इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन दे रखा है जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो आपको एंड में क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ड्रिलिंग। क्या टॉपिक होगा बच्चे, ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिलिंग। अब देखें बेसिकली ड्रिलिंग बेसिकली होता क्या है, ड्रिलिंग जो होता है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्रिलिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, होल प्रोड्यूस किया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ड्रिलिंग है। अब इसके अंदर भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, टाइम फॉर ड्रिलिंग, वो क्या होगा वही टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी डेप्थ,
of hole to be produced. जो होल हमें प्रोड्यूस करना है उसकी जो डेप्थ होगी वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वही एफ इंटू एन. ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. ये जो फीड है ये फीड पर रिवोल्यूशन है, फीड पर मिनट नहीं है. क्या है बच्चे, फीड पर रिवोल्यूशन. ये आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है. एग्ज़ाम में आपको फीड पर रिवोल्यूशन ही मिलेगी 99%. ठीक है, तो ये टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए. फिर से वही सारी चीज़ें वही होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगा. बस वहाँ पे हमें लेंथ गिवन होती थी, यहाँ पे डेप्थ गिवन होगी होल की, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चे, थर्ड हमारे पास था क्या था, रिकॉल करो माइंड में, बोरिंग. क्या था, बोरिंग. अब बोरिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, बोरिंग एक प्रोसेस होता है जो एनलार्जिंग ऑफ ए होल होता है. क्या होता है, ENLARGING, एनलार्जिंग द होल ऑलरेडी ड्रिल्ड इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी जो होल ड्रिल हो चुका है उसको एनलार्ज करना, एनलार्जिंग प्रोसेस होता है क्या, बोरिंग. याद रखें ये भी. अब इसमें भी क्या होगा, सेम टाइम जो होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोरिंग पूरा लिख लें, दैट इज लेंथ टू बी बोर्ड डिवाइडेड बाय फीड पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम, दैट इज एल बाय एफ इनटू एन. L by F into N. फॉर्मूला वही रहेगा, मैंने पहले भी बताया था ना, मैं उस पर टाइम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर जगह यही फॉर्मूला यूज होगा. इसके अंदर भी सारी चीज़ें वही आएंगी. अब हमारे पास फोर्थ क्या आता है, रिकॉल करो अब अपने माइंड में, फोर्थ पॉइंट क्या है. फोर्थ पॉइंट क्या था, थ्रेडिंग. अब थ्रेडिंग क्या होता है बच्चे, थ्रेडिंग जो होता है इज the process of removal of material to produce helix. ये ध्यान रखें, threading ये नहीं होता thread बनाना, नहीं, is the process of removal of material to produce the helix on internal or external circular surface for fastening purpose. ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, थ्रेडिंग बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन में बहुत बार गलत करते हैं. थ्रेडिंग क्या करते हैं, थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टू प्रोड्यूस द थ्रेड ऑन ए सिलेंड्रिकल पोर्शन. नो, थ्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस द हेलिक्स. ठीक है, ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर फास्टनिंग पर्पज. तो फास्टनिंग पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है. लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहां पे ये थ्रेडिंग की हुई है और ये इसको इसके साथ क्या कर दे रहा है, ज्वाइन कर दे रहा है. तो फैस्टनिंग पर्पज के लिए इसका क्या किया जा रहा है बच्चे, यूज़ किया जा रहा है. अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो भी टाइम, इसके लिए क्या होगा, टाइम फॉर थ्रेडिंग पूरा लिखें आप, टाइम फॉर थ्रेडिंग इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई पिच और लेड. पिच और लेड इनटू में क्या आ जाएगा, एन. एन क्या है, आरपीएम. अब यहां पे क्या है, इस टाइम के अंदर एल प्लस लेंथ के साथ 0.7 ऐड किया जाता है. अब ये 0.7 है क्या, ये एडिशनल डिस्टेंस है, ADDITIONAL, एडिशनल
डिस्टेंस कितनी है ये 0.7। अब ये एडिशनल डिस्टेंस हमने जो लिया वो इसीलिए लिए क्योंकि थ्रेडिंग में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा टूल स्लाइटली स्टार्टिंग में भी हमें अपने वर्क पीस से जहाँ से हमें थ्रेड स्टार्ट करना है, अगर हमें यहाँ से थ्रेड स्टार्ट करना है तो हम यहाँ रखते हैं उसको, और जब थ्रेड यहाँ से यहाँ तक है तो उसको यहाँ तक लेके जाते हैं, स्लाइटली एक्सटेंड करते हैं और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा पीछे से लेते हैं, तो उससे 0.7 उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है, पिच क्या होता है, लेड क्या होती है, वैसे तो ये पढ़ता होना चाहिए आपको, पहले भी मैंने करवाया लेकिन फिर से कर देते हैं। ये क्या होता है, इज द एक्सियल एडवांस ऑफ ए हेलिक्स और स्क्रू ड्यूरिंग वन कंप्लीट टर्न, ठीक है, कंप्लीट टर्न कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, पिच या लेड की, मीन्स एक कंप्लीट 360 डिग्री के रोटेशन में वो कितना आगे मूव करता है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चे, वो चेंज क्या आएगा कि एक तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, क्या होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, एक होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो बुक से कर लिया जाए या वैसे, चलिए वैसे ही बता देता हूँ। एक क्या होता है बच्चे, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, क्या होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, उसमें क्या होगा वन अपॉन थ्रेड पर सेंटीमीटर। ये किस लिए करना होगा, ये पिच को फाइंड आउट करने के लिए होगा, पिच को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये नहीं देगा उसकी पिच क्या है, एग्जामिनर आपको क्या देगा कि एक सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जो आपके थ्रेड हैं वो कितने हैं 50, कितने थ्रेड हैं 50 थ्रेड हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। 1 सेंटीमीटर के अंदर एमएम कितना होता है बच्चे, अब हमारे एमएम होते हैं 10, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने थ्रेड्स हैं 50, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय 50 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, पिच की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अगर उसको एमएम में लेके जाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बाय 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आ जाएगी इसकी यूनिट अभी क्या होगी सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें, एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2 mm पिच आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर सिंगल नहीं है वो क्या है मल्टी स्टार्ट थ्रेड, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ स्टार्ट डिवाइडेड बाय थ्रेड पर सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल में तो इसी तरीके से होगा, तो आप यूनिट का भी वहां ध्यान रखें, ये एमएम उसके लिए था, ठीक है, यूनिट का भी ध्यान रखें, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, वो क्या, जो थ्रेडिंग आप सबने जो वर्कशॉप में की होगी उसके अंदर थ्रेडिंग जो होती है वो हम सिंगल कट में नहीं करते, उसके लिए नंबर ऑफ कट आते हैं, मीन्स एक बार में कभी भी कंप्लीट थ्रेडिंग नहीं होती, उसके लिए हमें बार बार उसी थ्रेड के उसी पोर्शन के ऊपर से बार बार मूव करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या होगा, उसके लिए वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक जनरल रूल होता है, वो क्या होता है नंबर ऑफ कट के लिए, क्या होता है नंबर ऑफ कट क्या है, अगर 25 कर दो इंटू में पिच कर दो, 25 इंटू में पिच एफ थ्रेड कैसे होने चाहिए आपके, एक्सटर्नल थ्रेड अगर एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं तो आप क्या करोगे 25 इंटू पिच कर देंगे, अगर इंटरनल थ्रेड्स हैं तो 32 इंटू पिच इन केस ऑफ इंटरनल थ्रेड्स हैं तो 32 इंटू पिच
पिच हो जाएगा और उससे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल सो. अब एक इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक क्या है बच्चे, वो लास्ट टॉपिक है आपका टैपिंग. टैपिंग, अब थ्रेडिंग हमने पढ़ लिया, अब टैपिंग देख लेते हैं. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा वही सेम है. टैपिंग, टैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इंटरनल थ्रेड्स. अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नहीं है, इंटरनल कौन से बच्चे, इंटरनल थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड टैप. विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड टैप, टैप एक टूल होता है जिसकी वजह से अगर हम इंटरनल थ्रेड्स बना रहे हैं तो हमारा कौन सा क्या आ जाएगा बच्चे, वो टैपिंग ऑपरेशन होगा. अब इसके लिए भी हमें वही टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम के लिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेंथ, जितनी लेंथ तक आपको थ्रेडिंग करनी है, डिवाइडेड बाय पिच इनटू में एन. क्लियर है बच्चे. अब यहाँ क्या है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देते हैं. वो ऐड क्या, जहाँ जैसे वहाँ पे हमने पीछे क्या किया था, 0.7 ऐड किया था, यहाँ डी बाय 2 ऐड करेंगे. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर डी क्या है, डी जो है वो डाया ऑफ टैप टूल है. जो टैपिंग टूल है ना उसका डायमीटर है डी. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये टाइम निकल के आ गया. लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या आई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरनल थ्रेड्स कर रहे हैं. ये टाइम क्या है, टाइम फॉर सिंगल कट. जो थ्रेडिंग में निकाला था वो भी सिंगल कट के लिए था. अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, टाइम फॉर सिंगल कट आ गए, लेकिन जब इंटरनल थ्रेड्स करेंगे तो जो टूल है वो अंदर भी गया, वो बाहर भी आएगा. अब अगर थ्रेडिंग के लिए वो इनसाइड गया और उसको बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, टाइम जो होता है, कौन सा टाइम बच्चे, टाइम रिक्वायर्ड टू पुश द टैप इनसाइड द वर्कपीस, वो कौन सा टाइम है बच्चे, ये जो टाइम आप निकालेंगे वो ये टाइम है. लेकिन अब वो बाहर भी आएगा, ठीक है. अब उसके लिए क्या होगा, रिटर्निंग टाइम जो होगा, रिटर्निंग जो टाइम होगा वो बेसिकली हाफ होता है किसके, जो ये टाइम आपने निकाला है, ये जो टाइम निकाला उसका क्या होता है, हाफ होता है. ठीक है, तो ये हाफ तो ये हो गया, और एक कंप्लीट टाइम जो है वो ये हो गया. ठीक है, दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो हाफ प्लस वन कंप्लीट क्या हो जाएगा, वन एंड हाफ हो जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं, 3/2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम फॉर थ्रेडिंग क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू एल प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई पी पिच इंटू एन. ठीक है, किस में आएगा, मिनट में. ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये पांचों जो लेथ मशीन के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उन पांचों का हमने क्या कर लिया बच्चे, टाइम कैलकुलेट कर लिया. अब लास्ट जो आज की क्लास के लिए है वो एक न्यूमेरिकल है, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे. डिस्टर्बेंस, हाँ ये देखो, ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने टर्निंग के करवाए, किसी और का न्यूमेरिकल नहीं करवाए. देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या है, कैलकुलेशन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटिंग 30 mm पिच थ्रेड. पिच कितनी दी है बच्चे, 30 mm पिच थ्रेड ऑन ए माइल्ड स्टील बार ऑफ 3 cm डायमीटर एंड 10 cm लॉन्ग. लेंथ कितनी दी है, 10 cm, डायमीटर कितना है, 3 cm. टेक कटिंग स्पीड ऑफ द थ्रेड इज 50 m/min. देखो मैंने फिर से वही बताया, पहले हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, दिस वन. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, इसने हमें ये नहीं बताया टैपिंग. जब तक एग्जामिनर हमें टैपिंग स्पेशली वर्ड नहीं देता, तब तक हम इस फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला था इस पे नहीं आएंगे. तब तक हम किस पे रखेंगे, अपना थ्रेडिंग वाला ही रखेंगे, फोर्थ वन ऑप्शन ही रखेंगे. अब थ्रेडिंग के लिए कितना टाइम होता है, एल प्लस 0.7 पी इंटू एन. अब पी भी हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, 0.7 तो पता ही होता है, तो एन हमें चाहिए. अब एन के लिए हम क्या करेंगे, वापस से
अब यहाँ पे इसके बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ एन रख के अब फिर रखेंगे इक्वेशन वन रख के फिर सोल्व करेंगे एस इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस हमें दे रखा है, पाई हमें पता ही होता है, डी हमें 3 दे रखा है, एन हमें निकालना है, तो यहाँ से हमारा एन निकल आएगा, एन को यहाँ पुट करेंगे तो अब हमारे पास 22.22 मिनट आ गया। अब देखो यहाँ तक तो पीछे भी यही कर रहे थे, लेकिन अब क्या है थ्रेडिंग के अंदर इसने हमें बताया है कि थ्रेडिंग जो हम कर रहे हैं वो कैसी है बच्चे। यहाँ पे देखो कहाँ गया, स्पीड ऑफ थ्रेडिंग इज इतने, इंटरनल है एक्सटर्नल है कुछ दिया है एग्जामिनर, कटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटिंग इतने थ्रेड्स ऑन स्टील डायमीटर ऑफ इतने, देखो थ्रेड्स ऑन स्टील डायमीटर, देखो ऑन, ये ओन क्या इंडिकेट कर रहा है कि थ्रेड कैसे हैं एक्सटर्नल। अगर ये ओन भी ना हो और इस तरीके से दे रखा हो आपको समझना है, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दे रखा हो तो आप कैसे मानेंगे एक्सटर्नल लेके चलेंगे उसको। ठीक है, वैसे तो यहाँ बोल भी रखा है ओन, तो अब यहाँ से हम देखते हैं एक्सटर्नल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 25 पिच। अब देखो नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर कटिंग द फुल डेप्थ ऑफ द थ्रेड दैट इज 25 दैट इज 7.5, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लिया 8 यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कट 7.5 तो हो नहीं सकते, पूरा ही होगा, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 8। अब क्या होगा 0.22, एक मिनट का 22वां पार्ट जो है वो हमारा सिंगल कट के लिए यूज हो रहा है और हमारे कट कितने 8, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मिनट और 1 मिनट का 76वां हिस्सा, मीन्स 1.76 मिनट। बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 0.76 ये सेकंड नहीं है, ये इसी मिनट का हिस्सा है 1.76 मिनट, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। आपको कभी भी जब ये वीडियो देखनी हो तो उसके लिए सिंपल है, आप जब यूट्यूब जो आपका ऐप होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च ऑप्शन के ऊपर जब आप भूपेंद्र दहिया करके लिख के कंप्लीट या फिर PSS फिजिक्स या फिर PSS मैकेनिकल भी लिख सकते हो, भूपेंद्र दहिया लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मेरा चैनल आ गया है। इस चैनल के ऊपर आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये मेरा फ्रंट पेज आपका खुलेगा। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो यहाँ दिख जाएगी, उसके अलावा अगर आपको वैसे ही चेक करना है तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज वीडियोज, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी मेरी वीडियोज अब तक की हैं वो सारी की सारी वीडियोज इसके अंदर आ जाएंगी। बट अगर आपको इसमें भी टाइम वेस्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो जितनी भी अभी तक 2 प्लेलिस्ट हैं, आगे अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं ENC एंड सेकेंड है FM, अब ENC आपको देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।